क्या औरत अपने सर के बाल काट सकती है? अपने जिस्म के दीगर आज़ा के बाल काट सकती है या नहीं काट सकती? तो इसके बारे में शरी हुक्म यह है कि औरत अपने सर के बाल इतनी मिकदार में नहीं काट सकती कि मर्दाना वजा के साथ मुशाहबत हो जाए, यानी जैसे कंधे वगैरह तक बाल औरत नहीं काट सकती। अलबत्ता अगर औरत के बाल लंबे हैं, कंधे से काफ़ी नीचे हैं और कोई बाल बड़ा है, कोई बाल छोटा है, तो इनको इतनी मिकदार में औरत बराबर करने के लिए काट सकती है कि वो मर्दाना वजा के मुशाबे ना हो। इसी तरह सर के बाल के बारे में बाज सुनने में आया है बस औकात कि औरतें आगे से, फ्रंट से, पेशानी से अपने कुछ बाल काट लेती हैं और उस लट को आगे लटका देती हैं, या बतौरे पफ कुछ बाल आगे से काट कर मर्दाना वजा के और उसको साइड पर लटका देती हैं। तो क्या औरत का ये अमल करना जायज़ है जबकि पीछे से बाल बड़े हों? तो इसका जवाब भी यही है कि औरत आगे से बाल काटे या पीछे से बाल काटे, इतनी मिकदार में काटे कि मर्दाना वजा के साथ मुशाहबत हो जाए तो वो नजायज़ और हराम के जुमरे में आता है। और अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने ऐसी औरतों पर लानत डाली है जो मर्दाना वजा कता इख्तियार करें। तो लिहाजा आगे से कुछ बाल लेकर उसको काट लेना या पफ के तौर पर उसको काट लेना, लट के तौर पर उसको काट लेना कि जो मर्दानी वजह के मुशाबे हो, शोल्डर से ऊपर हो, तो लिहाजा ये इस्लाम के अंदर जायज नहीं है, इससे मुकम्मल इज्तिनाब किया जाए। और औरत के बसा औकात ऐसी जगह बाल उग जाते हैं जहां उगे आमतौर पर नहीं उगते, जैसे दाढ़ी की जगह बाल उग गए, मूछों की जगह बाल उग गए, तो औरत इन बालों को रिमूव कर सकती है, साफ कर सकती है। अलबत्ता अपनी आईब्रो, औरत के बाल आईब्रो बनाना ये नाजायज़ है और गुनाह का काम है। आईब्रो के बाल औरत ना काट सकती है ना ही इसको साफ कर सकती है। हाँ, अलबत्ता एक सूरत है कि अगर ये बहुत बड़े हो जाएं कि देखने के अंदर भद्दे लगें, बुरे लगें, हद से तजावुज़ किए हुए हों, तो फिर हद इतेदाल तक इन पर आबरू के बालों को काटना शरान जायज़ है, कोई गुनाह का फिर काम नहीं है।